नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूज़स पे। तो आज हम लोग CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल हमने पार्ट वन कवर किया था, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके मार्केट से रिलेटेड थे। आज भी वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो कॉमेंट सेक्शन में एक बार थैंक्स, या फिर आप जो है ये बोल सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू इसको करें, क्योंकि तभी हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहेंगे जब आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो कि अब 2000 से कम रुपए में जो है BHU स्टडी कैपिटल पे अवेलेबल हो चुका है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड पेमेंट का सारा जो क्राइटेरिया वो भी आपको दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अब ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। कम जो है दिन बचे हुए हैं, जिसमें कि आपको दोनों पार्ट का तैयारी करवाया जाएगा, जो पार्ट ए है एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन जो कि आपके इंग्लिश जनरल अवेयरनेस और आपके रीजनिंग और मैथ्स से आएंगे, और पार्ट बी जो है आपका कोर है। तो आपका कोर तो तैयार हो जाएगा, पर पार्ट ए को जो है BHU स्टडी कैपिटल अभी तैयार करवा रहा है। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन करिए अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए, ये लास्ट मौका है आप सभी के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ मोनोपोली इज दैट, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रिक्वायरमेंट है आपके मोनोपोली का? तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर मोनोपोली में क्या होता है, दैट देयर इज़ अ यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पर होना चाहिए, एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। आप सभी को पता है मोनोपोली में जो होता है सिंगल सेलर होता है, एंड जो सेलर होता है यहाँ पर, जो यानी फर्म होती है, वही आपकी इंडस्ट्री के रूप में कार्य करती है, है ना। फर्म यहाँ पर इंडस्ट्री होती है, एंड कोई भी उस प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसी वजह से जो है मोनोपोली देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो भी फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर, ठीक है, वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, और अपने जो कस्टमर होते हैं उससे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करती है। आप सभी देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है रेलवेज़ में क्या होता है कि आप जो है स्लीपर में भी जा सकते हो और एसी में भी जा सकते हो। तो जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जो है पैसे चार्ज कर देने पड़ते हैं, चाहे आपका रिच हो या फिर जो है आपका पुअर हो। तो मोनोपोली जो होता है एकाधिकारी मार्केट, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट जो है पैसे देने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट यूनिक होता है, पर उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी वजह से जो यहाँ पर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है मोनोपोली का, यहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए पर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अ मोनोपोली इज़ द मार्केट विच, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कि क्या होता है, वन सप्लायर है, ठीक है। एक बार फटाफट जो है हम मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दे रहे हैं कि मोनोपोली जो होता है, मोनो मतलब वन, पोली मतलब सेलर, तो वन सेलर यहाँ पर होता है, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पर जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर, ठीक है, फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, एंड यहाँ पर जो फर्म होती है वही क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। फर्म जो यहाँ पर होती है इज़ ऑल्सो अ इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर आपकी वही इंडस्ट्री होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्म होती है वो डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करती है आपके डिफरेंट पीपल से, ठीक है। आप सभी इसका एग्जांपल देख सकते हो रेलवेज़, ठीक है, और आप एयरलाइंस में भी अगर देखोगे तो एयरलाइंस में तो मोनोपोली नहीं है, पर आपका रेलवे ही इसका अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, यूनिक इन नेचर, ठीक है, यूनिक होता है आपका प्रोडक्ट, ओके, ये क्यों है, यूनिक होता है, और कोई भी इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है इस मार्केट में। और याद रखिएगा कि मोनोपोली ऐसा एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ की लॉन्ग रन में हमें कैसा प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका अर्न होता है, ओके। तो ये सब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं मोनोपोली के। नेक्स्ट हमारा है द फर्म फेस कॉम्पिटिशन वेन गुड दे प्रोड्यूस, तो फर्म कब फेस कंपटीशन करता है, जब वो गुड कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो 18वें का आपका हो जाएगा डी, ठीक है, हैज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, कहीं ना कहीं कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। तो वो कौन सा मार्केट होता है जहाँ पर कि आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, तो मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में आपका ऐसा होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपका पाया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, याद रखिएगा। और
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका जो है लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके बेचा जाता है और यहाँ पर कुछ हद तक जो है प्राइस पे कंट्रोल होता है एक जो प्रोड्यूसर होता है उसका। ठीक है, याद रखिएगा ये सब जो है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो याद रखिएगा कि 19वें का आपका ए हो जाएगा डिमांड, द मार्केट डिमांड एंड द फर्म डिमांड आर सेम इन केस ऑफ फॉर अ मोनोपोली। आपकी मार्केट डिमांड और फर्म की डिमांड सेम होती है मोनोपोली के अंतर्गत। आप सभी को पता है मोनोपोली जो होता है वो आपके जब प्राइस को लगातार मतलब आपके कॉस्ट प्राइस को लगातार डिक्रीज़ करते हैं तो उस केस में प्राप्त होता है। इसमें जो आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है यही हमारा डिमांड कर्व होता है और इसके जस्ट नीचे आपका क्या होता है मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्केट डिमांड कर्व है वही आपका फर्म का भी डिमांड होता है। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड कौन सा होता है कर्व, ये AR जो है यही हमारा क्या है डिमांड कर्व है ना, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विच डिस्क्राइब्स अ बैरियर टू एंट्री, इसमें से कौन सा जो है डिस्क्राइब कर रहा है बैरियर टू एंट्री आपका। तो यहाँ पर 20 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ फर्म फ्रॉम अराइवल ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन। यहाँ पर याद रखिएगा कि बाहर कोई कॉम्पिटिशन से बचने के लिए ऐसा आपका प्रोटेक्शन एक चीज़ होती है। तो ये ज़्यादातर आपके कौन से वाले कॉम्पिटिशन में देखने के लिए मिलता है, मोनोपोली में। ठीक है, एक तरीके से मोनोपोली को मतलब रखने के लिए आपके क्या किया जाता है प्रोटेक्शन, यानी एंट्री एंड एग्जिट को बैरियर कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और आपकी कुछ हद तक जो है ओलिगोपोली में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है क्योंकि वहाँ पर भी फ्यू फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो बैरियर टू एंट्री का ये एग्जाम्पल है, मतलब आपका एक्सप्लेनेशन है। बट बैरियर टू एंट्री इज़ का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ फर्म फ्रॉम द अराइवल ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर से बचने के लिए ऐसा होता है आपका बैरियर टू एंट्री। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्रिएट अ नेचुरल मोनोपोली, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि आपके नेचुरल मोनोपोली को बताता है। तो याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग अ सिंगल फर्म टू प्रोड्यूस एट अ लोअर एवरेज कॉस्ट देन टू और मोर फर्म्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगा सिंगल फर्म के लिए टू प्रोड्यूस अ लोअर एवरेज कॉस्ट, मतलब जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो आप कम लगे एज़ कम्पेयर टू आपके क्या जो दो या तीन आपके यहाँ पर फर्म है उनसे आपका एवरेज कॉस्ट कम लगे। तो ये जो होता है नेचुरल मोनोपोली को क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है इफ़ टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड इनेबल्स वन फर्म टू मीट इंटायर मार्केट डिमांड एट लोअर प्राइस देन द टू आर मोर फर्म्स गुड देन द फर्म हैज़। तो यहाँ पर फर्म का क्या हो जाएगा आपका नेचुरल मोनोपोली, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल आपका है नेचुरल मोनोपोली का। तो नेचुरल गैस, जैसे आपके असम में नेचुरल गैस पाया जा रहा है तो ये वहाँ की क्या हो गई नेचुरल मोनोपोली हो गई, क्योंकि वो नेचर के द्वारा उसको दिया गया है। ठीक है, आपके अगर किसी एरिया में कोई चीज़ हो रहा है तो वो नेचर के द्वारा दिया गया है, आप वो चीज़ को दूसरे जगह से नहीं लाओ। तो सपोज़ अफ्रीका में नेचुरल गैस नहीं होता है तो वहाँ से आप वहाँ पर जो है आप क्रिएट नहीं कर सकते उस नेचुरल गैस को, क्यों, क्योंकि भगवान के द्वारा वहाँ दिया ही नहीं गया है, वो यूक्रेन में अवेलेबल है, वो आपके रशिया में अवेलेबल है, तो वो भगवान के द्वारा उसको दिया गया, इसी वजह से वो नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली, यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी वाला, डी में आपका है द केबल टेलीविज़न कंपनी इन योर होम टाउन। ठीक है, ये आपका क्या है नेचुरल मोनोपोली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच बैरियर टू एंट्री इज़ अ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट टू ऑथर और कंपोजर ऑफ लिटरेरी एंड म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक वर्क, कौन सा आपका बैरियर टू एंट्री एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है आपके राइटर को। तो यहाँ पर कॉपीराइट है। ठीक है,
पेटेंट नहीं करवाते हैं, कॉपीराइट के लिए देखते हैं, ठीक है। पेटेंट क्या होता है, ये सब आपका जो टर्म्स है बेसिकली आपके मोनोपोली से रिलेटेड है। तो पेटेंट क्या होता है, तो यहाँ पर सारा ऑप्शन करेक्ट है। एक तरीके से स्टिमुलेट करता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है। जैसे आपने कोई चीज़ इनोवेट की है, बनाई है, जो कि बहुत यूनिक है, वो किसी के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। तो ये एक पेटेंट करवाने का मतलब है, एक तरीके से आपने इनोवेशन को किए, कुछ इनोवेशन किया है। एंड इनकरेज द इनोवेशन इन न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन मेथड। आप जो है नए तरीके को कहीं ना कहीं ला रहे हो, नए प्रोडक्शन में, या फिर आप जो है नए न्यू प्रोडक्ट बनाने में। एंड एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट टू इन्वेस्टर टू प्रोडक्ट और सर्विस। ये एक तरीके से एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड ग्रांट किया जाता है एक नए इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर ये पेटेंट होता है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पेटेंट। पेटेंट के बारे में कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा 28 का, वो सी है। पेटेंट इनेबल अ फर्म टू बी अ परमानेंट मोनोपोली। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपके इनोवेशन को बढ़ावा देती है, पेटेंट बैरियर ट्विंटी करती है, इनकरेज करती है इन्वेंशन को न्यू प्रोडक्ट में, पर कहीं भी आपको इनेबल नहीं करती है हमेशा परमानेंट मोनोपोली के लिए। नेक्स्ट हमारा है, ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो ये देख लेते हैं। रिसेंटली स्मॉल सिटी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर लॉबीज द सिटी काउंसिल टू पास अ लॉ रिक्वायरिंग ऑल पीपल वर्किंग ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स बी लाइसेंस्ड बाई द सिटी। वाई वुड द कॉन्ट्रैक्टर लॉबी फॉर दिस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टू क्रिएट लीगल बैरियर टू एंट्री। यहाँ पर इसको इसलिए चाहिए क्योंकि उसको लीगल बैरियर है ना, लीगल बैरियर टू एंट्री, एंड गवर्नमेंट से उसको लीगली वो लेना पड़ेगा। ओनरशिप ऑफ नेसेसरी इनपुट क्रिएट फॉर टाइप ऑफ बैरियर टू एंट्री। अगर आपके पास ओनरशिप है तो आपका कौन सा बैरियर टू एंट्री हो जाएगा यहाँ पर, लीगल, है ना। याद रखिएगा कि ओनरशिप अगर होता है तो आपका लीगल बैरियर टू एंट्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। एन इंडस्ट्री विथ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट कॉल्ड एज। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जैसे ही आपका आ जाता है, ये आपके मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल है। अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं, है ना। प्रोडक्ट जो होता है आपका, उसमें हम वेरिएशन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में वेरिएशन करने का मतलब, जैसे सपोज़ आप कपड़ा पहनते हो तो उसके अलग अलग स्टाइल के कपड़े होते हैं, तो वो आपका क्या है, एक तरीके से सेम प्रोडक्ट है ना। टॉप आप लेते हो, टॉप तो सेम होता है, पर उसमें क्या है कि कोई टॉप जो है स्टाइलिश है, कोई सिंपल है, तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट में वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पर कुछ जो है प्राइस पे कंट्रोल होता है जो प्रोड्यूसर होता है, तो कुछ प्राइस पे जो है कंट्रोल देखने के लिए मिलता है आपकी, इसमें प्राइस कंट्रोल होता है। एंड आपका जो एंट्री एंड एग्जिट होता है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो इस जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत। पर याद रखिएगा कि जो आपका लॉन्ग रन में जब इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट अर्न होता है वो कैसा प्रॉफिट अर्न होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर हमको कौन सी प्रॉफिट मिलती है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सब आपके टाइप, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, इसका सारा प्रॉपर्टी हो गया। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईच फर्म सप्लाईज अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केट। दिस अकर्स बिकॉज जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, सारे फर्म जो सप्लाई करते हैं वो स्मॉल पार्ट मार्केट का करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि स्मॉल पार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे फर्म्स हैं, सारे फर्म्स मिल के सप्लाई करते हैं, इस वजह से जो है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होने की वजह से सबका पार्ट जो है वो बहुत स्मॉल है। नेक्स्ट हमारा है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द प्रोडक्ट डिफरेंट सेलर्स आर अज्यूम टू बी। याद रखिएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक आपका सेलिंग कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एड वैड भी किया जाता है, जैसे आप जैसे देखते हो ना, ड्यू का आ रहा है प्रचार, या फिर आपकी कोल्ड ड्रिंक का प्रचार आ रहा है, तो ये सारा जो है आपका क्या है, एडवर्टाइजिंग किया जा रहा है। ठंडा तो सारा कुछ है, कोल्ड ड्रिंक तो सारा कुछ है, जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, पर थोड़ा सा प्रोडक्ट में किसी ने कलर अलग कर दिया है, है ना, तो थोड़ा टेस्ट में अलग कर दिया, तो क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल है। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि आपको एडवर्टाइजिंग बहुत देखने के लिए मिलता है, काफ़ी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 33 का करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर स्लाइटली जो है हमारा सिमिलर तो होता है प्रोडक्ट, पर क्या करते हैं हम लोग,
थोड़ा सा स्लाइटली जो है डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्लाइटली करेंगे। जैसे आप टूथपेस्ट का एग्जांपल लो, टूथपेस्ट में 4-5 टूथपेस्ट आपको पता है, डाबर हो गया, सिबाका हो गया, कोलगेट पेप्सोडेंट, सब में क्या है, सब टूथपेस्ट है। कोई बोलता है मेरा टूथपेस्ट क्या है, नेचुरल है, कोई बोलता है मेरे में क्रिस्टल है, कोई बोलता है मेरे में नमक है। तो यहाँ पर क्या है, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा क्या किया इसने, डिफरेंशिएट किया। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग 35 तक देखेंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है, होमोजीनियस इन नेचर वाला, ठीक है, होमोजीनियस इन नेचर का। जबकि आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ मिलता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कम्पीट ऑन देयर प्रोडक्ट प्राइस एज वेल एज क्वालिटी एंड मार्केटिंग। इस पे आपका जो है कहीं ना कहीं जो है फर्म्स कॉम्पीट करती हैं, चाहे आपका साइज़ हो उस प्रोडक्ट का, चाहे आपका कलर हो, चाहे उसकी प्राइस हो, चाहे उसका मार्केटिंग हो, यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से। आप सभी को पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती हैं, एंड यहाँ पर जो है कोई क्वालिटी की बात नहीं करता है, बिकॉज़ कि सबका प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है, और यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजिंग यानी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगता है। तो इसी वजह से ये बेसिक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 35th है, इन इंडस्ट्री विद अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। जब आपकी लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स हो जाती हैं इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, कोलूजन इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आप देखते हो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यही चीज़ है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स है। कोलूजन में क्या होता है कि सारी फर्म्स एक साथ मिलके क्या करती हैं, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम करने लगती हैं। मतलब वो अपने साथ एक साथ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगी और एक ही प्राइस पे जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। तो जब लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स हो जाती हैं तो ये कोलूजन मतलब जो है एक साथ मिलने वाला काम नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से ये आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रॉब्लम है। अब आगे हम ऐसे ही ओलिगोपोली एंड ओलिगोपोली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक का भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम ऐसे ही आपके ओलिगोपोली से रिलेटेड भी जो आपके MCQs है उसको भी कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें जो है वीडियो बनाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।